मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश के आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें कानून और न्याय राज्य मंत्री बनाया गया है। एसटी समुदाय से आने वाले एसपी बघेल साहब को मंत्री बनाकर मोदी सरकार ने 2022 की रणनीति भी साफ कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। बघेल साहब, हमारी आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से इंडिया टीवी के प्लेटफॉर्म पर, और मैं आपको बधाई दूंगी, ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा था? बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी। नहीं, थैंक यू। अंदाजा, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है कि वो मंत्रिपरिषद में इसको शामिल करें। कई बार ये भी होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य ना होने के बावजूद प्रधानमंत्री सोचते हैं कि इस व्यक्ति के मंत्री बनने से देश को लाभ होगा, जनता को लाभ होगा, विभाग को लाभ होगा, तो ऐसे भी उदाहरण है। तो ये उनका विशेषाधिकार है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आरडीए का और बीजेपी का इतना अच्छा बहुमत होने के बावजूद मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर उनकी निगाह पड़ी है, जिस अपेक्षा उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के ये जिम्मेदारी दी है। अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी और कर्मठता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बघेल साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को छोटा कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी आपको बहुत महत्वपूर्ण दी गई है, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं। आप अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या मान रहे हैं? नहीं, विशेष तौर से कोई ऐसा चैलेंज नहीं, लेकिन हर काम को एक चुनौती देना नहीं चाहिए, लेकिन चुनौती स्वीकार करते हुए किसी भी छोटे से काम को भी अंजाम देना चाहिए। जब आदमी चुनौती के रूप में लेता है तो अपना सर्वस्व झोंक देता है उस काम के संपादन में। उत्तर प्रदेश के चुनाव से निकट हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री था, तो स्वाभाविक बात है कि वैसे तो पूरे राष्ट्र के लिए मंत्री होता है, लेकिन क्योंकि जिस राज्य से आते हैं उसके प्रति और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रति थोड़ी विशेष जिम्मेदारी भी हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश की चुनाव की पूर्व संध्या पर एक ये जिम्मेदारी मिली है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि राज्य का दौरा करके, देश का दौरा करके लोगों के हितों का ध्यान रख सकें और जनता के काम कर सकें। स्कूल में जब पढ़ाया जाता था तो टीचर्स पूछा करते थे बघेल साहब कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा बनते हैं तो आप सबसे बड़ा बदलाव क्या करेंगे? आज एक वैसा ही एकदम मासूम सा सवाल मैं आपके सामने रख रही हूं कि आप राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और अब सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे, क्या बदलाव करना चाहेंगे? मेरे राज्य मंत्री बनने से पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बड़ा काम हुआ, वो तमाम देश के ऐसे कानून जिनका उपयोग नहीं हो रहा था, वो रेलिवेंट नहीं थे, वो समसामयिक नहीं थे, उनमें गर्द में छिपे हुए थे, और अनावश्यक रूप से देश काल और परिस्थितियों के अनुसार आपने ये देखा होगा कि मूल रूप से संविधान जो लिखा गया था उसमें भी तमाम संशोधन हो चुके हैं। इसी प्रकार से कानून जो रिलीवेंट हैं वो अंग्रेजों के ज़माने के थे, कुछ कानून हैं लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो मुगलकालीन थे, कुछ अलग अलग चूँकि हम पर विदेशी हुकूमत रही है उन्होंने अपने हित में भी बहुत से बनाए थे, हम उनके लिए एक उपनिवेश थे, तो उस हिसाब से अब देश आज़ाद है तो जो ही कानून हो वो सरलीकरण होनी चाहिए, आम जनता तक कानून पहुँचना भी चाहिए और उन कानूनों का लाभ भी लेना चाहिए, तो वादी का हित सर्वोच्चकारी है, तुरंत न्याय मिल जाए, तो ये इस दिशा में बहुत रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने तो सैकड़ों की संख्या में उन तमाम कानूनों को समाप्त कर दिया है और यह संशोधित हो गए हैं, और आप देखते होंगे कि हर लोकसभा के सत्र में कोई ना कोई जनहित में और खासतौर से राष्ट्रहित में कानून आते रहते हैं। बघेल साहब, आप उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति भी जानते हैं, ओबीसी की जो समस्या है वो भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, लगातार उनकी ओर से ये मांग उठाई गई कि हमें जो है एससी एसटी में हम थे, हमें निकालकर अदर बैकवर्ड कास्ट में कर दिया गया, बहुत सारी और चुनौतियां हैं, आप इसे कैसे समझाएंगे, इसे कैसे साधेंगे, क्योंकि कानून और न्याय की दृष्टि में तो हर कोई बराबर है, और जो मांग उठाएगा उसकी मांग पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। जी, लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए,
और अपने यहाँ विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है पूरी, तो समय समय पर इस प्रकार के कानूनों में संशोधन भी होते रहे हैं और राष्ट्रहित में, समाज हित में, जनहित में इस प्रकार के कानून भी आते रहेंगे और संशोधित भी होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल साहब इंडिया टीवी को समय देने के लिए, और एक बार फिर से मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं, आप लोग जनता के हित में काम कर सके हमारी भी यही आशा है। आप एसपी सिंह बघेल साहब को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में और किसको क्या जिम्मेदारी दी गई है इसकी भी पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।